चलो भाई, गुड मॉर्निंग. ओके, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. और देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे? राउंड रॉबिन एल्गोरिथम. ठीक है, एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम. लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ रखा था? सीपीयू शेड्यूलिंग. सीपीयू शेड्यूलिंग की सारी एल्गोरिथम. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या था? फर्स्ट कम फर्स्ट सर. ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर. अच्छा सर, वो FCFS. हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या? राउंड रॉबिन एल्गोरिथम. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एल्गोरिथम्स. वन इज द प्रिमिटिव एंड अनदर इज अ नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम. नॉन प्रिमिटिव. तो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स क्या होती है कि जो हमारा प्रोसेस चले तो उसके बीच में टर्मिनेट नहीं हो सकती. इट मीन्स इफ यू विल टेक इन द वन process, then until and unless that process is not completed, we cannot terminate that process. That is called the non-primitive algorithms. And the primitive algorithm, it means we can terminate any time. Okay? So, यहाँ पे जो ये round robin algorithm है तुम्हारी, ये जो है primitive scheduling based algorithm है. Primitive scheduling based algorithms का क्या मतलब हुआ? कि हम कभी भी जिसको हम देखेंगे प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है उसको वहां से हम एग्जीक्यूट कर लेंगे. ठीक है, तो अब देखो इसको राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या कहता है कि इसमें सबसे पहले एक टर्म आता है क्वांटम. ओके, एक टर्म होता है क्या? क्वांटम. एक टर्म है हमारा क्वांटम. तो क्या है यहाँ पे क्वांटम? क्वांटम क्या होता है? क्वांटम इज एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन. मतलब क्वांटम बेसिकली क्या होता है? एक टाइम स्लैब दिया जाता है. ये टाइम स्लैब किसी का भी हो सकता है. सपोज दैट तुम्हें कोई टाइम दिया गया एक काम को करने का 5 मिनट. ठीक है, अब तुम्हें आप और वो टाइम और वो जो काम करने का जो टाइम है वो बेसिकली है 25 मिनट, लेकिन तुम्हें 5 मिनट दिया गया. तो तुम एक बार 5 मिनट करोगे, फिर दूसरे को टाइम दोगे, फिर तीसरे को दोगे, अनटिल एंड अनलेस वी हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क. ठीक है, तो ये हो गया क्वांटम इज एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन. सेकेंड वन क्या? वंस अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड, यदि एक बार कोई प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ द टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इट इज प्रीमिटिव एंड अदर प्रोसेस एग्जीक्यूट फॉर गिवन टाइम पीरियड ऑफ टाइम. मतलब उसी टाइम के बीच में यदि कंप्लीट हो जाता है वो हमारा जो है प्रोसेस, तब तो ठीक है. अदरवाइज हम क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे और हम अगले प्रोसेस को देखेंगे. ठीक है, जैसे मैंने कल लोगों को बताया था क्या कि सबसे पहले हमारे पास सपोज दैट कुछ भी रहता है तो हम क्या करते हैं, उसका एक चार्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गैंट चार्ट, GANTT, गैंट चार्ट. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है क्या, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द फॉलोइंग. जैसा कल बताया था कि हमारे पास प्रोसेस है, ये हमारे प्रोसेस हो गए, चार प्रोसेस दिए गए हैं. ठीक है, P1, P2, P4, इनका बस टाइम दिया गया है. बस टाइम हमारा कितना है? ये दिया गया है बस टाइम 21, 3, 6, 2. सूरज, बस टाइम क्या होता है सर? जहाँ पे उसका एंड पॉइंट का 0 से लेके जैसे 21 तक चला P1 बस टाइम होता है. इस बस टाइम जो है इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम. ठीक है, बस टाइम कितना होता है? बस टाइम किसे कहते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम को बस टाइम कहते हैं. ठीक है, अब सपोज दैट हमारे पास क्या है, P1, P2, P3, P4 चार प्रोसेस दिए गए हैं. तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि हम एक क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे. ओके, चार्ट बनाएंगे. सबसे पहले हम जो है एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट बना करके हम जो है उसमें क्या क्या चार्ट बनाएंगे कि हमारे पास चार प्रोसेस थे P1, P2, P3, P4. ओके, P1, P2, P3, P4. चार प्रोसेस थे हमारे पास. तो हाँ जी सर, सबसे पहले हमने लिया P1 को. हमने पहले ही बताया था जब भी कोई चीज स्टार्ट होती तो कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है. तो स्टेप वन देखो, मैंने स्टेप वाइज इसलिए बना दिया कि ताकि समझने में आसानी हो. ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, P1 का एलोकेशन स्टार्ट होगा. ओके, तो P1 का एलोकेशन स्टार्ट होगा. P1 will be run अप टू मैक्सिमम ऑफ द 5 टाइम्स. क्यों चलेगा 5 बार? क्योंकि हमें क्वांटम वैल्यू कितनी दी हुई थी?
5 दी हुई थी, ठीक है, देखो मैंने इसलिए लिख भी दिया है, क्या इट विल बी रन मैक्सिमम ऑफ द 5 टाइम्स बिकॉज 5 टाइम्स क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 5 ओके क्वांटम हमारा कितना चलेगा 0 से लेकर के 5 तक, ये है ना, 5 से लेकर के 5 तक क्वांटम चलेगा। तो अब देखो क्वांटम हमारा 5 तक चला, तो यहां पर हमारा क्या, लेकिन हमको जो टाइम दिया गया था वो 21 का दिया था, ठीक है, इवन के लिए जो टाइम दिया गया था वो कितना दिया गया था, 21 दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, 21 - 5 = 16, इसका मतलब P1 के पास अब कितना टाइम बच गया, रिमेनिंग टाइम 16, टाइम इस टाइम तक अपना काम कर लिया जितना उसको करना था, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट हम क्या है, P2 एग्जीक्यूशन टाइम इज 3, P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 3 है, ठीक है, और इसको टाइम हम दे कितना रहे, एक को कितना दे रहे हैं, 5 टाइम स्टैम्प, मतलब 5 मिली सेकेंड या 5 जो भी हमारा वैल्यू दी होगी उसका आगे, है ना, जो भी जिसको कहते हैं मात्रा, जो भी दिया होगा, तो 5 दिया हुआ और इसको कितना 3 चाहिए, तो ये मतलब क्या हो जाएगा कि P2 एग्जीक्यूशन टाइम इज 3, सो P2 विल रन, P2 कितना रन करेगा, 3 + 5 = 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 है था 8, P1 कितना था 0 to 5, P2 कितना हो जाएगा 5 + 3 = 8, 8 हो जाएगा P2, और यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर ये देखो क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर P2 क्या, अब हमारा P2 जो है वो कंप्लीट हो गया, क्यों कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये 3 दिया हुआ था, 3 टाइम स्टैम्प दिया था, और हम क्या है एक बार में 5 ले रहे थे, तो P2 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, P2 कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ से हो गया P2 इज कंप्लीटेड। Now we will come on the P3. P3 will run for more another 5 time stamp. 5 बार चलेगा, ठीक है? तो वही 8 × 5 = 13, 8 + 5 = 13 हो जाएगा, ठीक है? और P3 यहाँ देखो, कहाँ गया ये? P3 यहाँ पे देखो, P3 हमने कितना लिख दिया? 6 था, 5 बार चलेगा तो 1 बचेगा, 6 - 5 = 1, ठीक है? ये हमारा जो है, ये हमारा हो जाएगा क्या, P3 का हो गया, ठीक है। अब P4 क्या है, P4 has only 2 execution time, P4 के पास क्या था, देखो यहाँ पे P4 क्या है, P4 के पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2 दिया गया, और हम कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 5 बार रन नहीं करेगा P4, देख रहे हो यहाँ पे P3, हाँ जी सर, ठीक है, कितना प्लस 2, क्योंकि मैक्सिमम उसको 2 ही चाहिए और हम उसको 5 दे रहे हैं, तो गलत हो जाएगा, है ना, तो वो हमारे क्वांटम टाइम के अंदर ही अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लेगा। इट मींस हियर क्या हो गया हमारा, P4 इज कंप्लीटेड एंड P2 इज कंप्लीटेड, दोनों चीजें हमारी जो है क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। नाउ P2 एंड P4 आर कंप्लीटेड। अब देखो जब दोनों चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और हमको निकालना क्या था, वेटिंग टाइम निकालना था, ठीक है, तो देखो सर एक चीज समझ में नहीं आई, बताओ सर थोड़ा, सर स्टेप दिखाना सर एक बार, सर एक बार सर जैसे सर जैसा आपने स्टेप 1 में तो सर माइनस करा है 21 - 5, ठीक, और सर और सब में सर प्लस करा है, नहीं नहीं हाँ सर, फिर से ध्यान दो, देखो यहाँ देखो P1 की वैल्यू कितनी है, 21, बस टाइम कितना है 21, और हम दे कितना रहे हैं 5, तो ये जो देखो जो यहाँ लिखा है इस वाले में नीचे जो चार्ट बना रहे हैं इसमें प्लस करेंगे, और जो हमारा यहाँ पे बस टाइम और प्रोसेस टाइम जो है उसमें माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, P2 में सिर्फ 3 दिया है, देख रहा हूँ P2 में 3 दिया था, जब P2 में 3 दिया है इसका मतलब क्या हो गया कि हम 5 दे रहे हैं और इसको 3 चाहिए, इसका मतलब ये प्रोसेस वो हो जाएगा, इसमें कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 में क्या है, हमें 5, हम 5 देंगे और इसको पास कितना है, इसको 6 चाहिए, मतलब एक टाइम स्टैम्प बच गया, है ना, जो चार्ट बनाएंगे एक चीज बहुत ध्यान से देखना, ये जो चार्ट है इस चार्ट में हमेशा नीचे प्लस होगा, ठीक है, चार्ट में
चार्ट में नीचे प्लस होगा और जो ये हम निकाल रहे हैं एवरेज टाइम, इन सब में माइनस होता जाएगा, माइनस होगा, ये मेन था। ठीक है, अब क्या था देखो, ठीक है सर, पी टू की वैल्यू कितनी थी 3 और पी फोर की वैल्यू कितनी थी 2 और हमने क्वांटम वैल्यू कितनी ली है, टाइम कितना लिया 5। सपोज दैट क्या है कि पी टू को जो है एक काम को उसको सिर्फ 3 मिनट चाहिए और पी फोर को किसी काम को करने के लिए 2 मिनट चाहिए और हम किसी काम को करने का, हम एक काम को करने का 5 मिनट दे रहे हैं, मतलब इनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, ये कंप्लीट हो जाएंगे, एक एक बार ही प्रोसेस होगा, एग्जीक्यूट होगा एक ही प्रोसेस में, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, P2 and P3 जो है, सॉरी P2 एंड P4 जो है वो हमारे P4 हाँ वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे एक ही बार में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा P2 एंड P4 आर कंप्लीटेड, तो इनका वेटिंग टाइम कितना हो गया देखो, P2 का 5 और P4 का 13 कैसे हुआ देखो, यहाँ पे P2 जो है हमारा स्टार्ट कब हो रहा है सर, P2 स्टार्ट हो रहा है 5 पे, 5 पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ गया P2, हाँ P2 हमारा 5 पे हो गया है? और और P4 कितना 13 हाँ, तो ये क्या हो गए इनके, ये हम इनके हो गए एवरेज, सॉरी वेटिंग टाइम, इनका जो वेटिंग टाइम कितना हो गया 13 और 5, ठीक है 18, इनका वेटिंग टाइम कितना हो गया 13 और 5। मैं ये वीडियो तुम लोगों का उसमें डाल दूंगा YouTube में, ठीक है 10 बार देखना इसको, एक बार में समझ में नहीं आएंगी चीजें, समझ रहे हो, जैसे मैं बता दे रहा हूँ इसको 2 बार 4 बार, इसीलिए मैं हर चीज एकदम प्रॉपर लिख दी है, समझ रहे हो, इसको तुम लोग 2-4 बार देखोगे, ये न्यूमेरिकल लगाओगे और देखना, यदि बुक हो तुम्हारे पास तो बुक में देखना, कोई न्यूमेरिकल हो नहीं आ रहा हो तो वो भी तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास 2 के आ गए P2 और P4 हमारे यहाँ पे, ये P2 कंप्लीट हो गया और P4 दो हमारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए। अब बचे कौन कौन से, कौन कौन से बच गए, P1 और P3 हाँ सर, P1 और P3 हो गए, P1 और P3 बचे, ठीक है। अब देखो सबसे टिपिकल और मेन चीज अब स्टार्ट होगी, अब क्या है P1 एंड P3 इज रेडी क्यू, अब दो वो खत्म हो गए, अब रेडी क्यू में कौन कौन से बचे, P1 और P3 दो हमारे रेडी क्यू में बचे, ठीक है। P1 विल रन अप टिल अनदर 5 टाइम, एक बार में कितना चलेगा, सिर्फ 5 ही चलेगा, 5 से ऊपर नहीं चलेगा, समझ रहे हो, हाँ जी सर, एक बार में कितना चलेगा 5 चलेगा, 5 टाइम चलेगा एक बार में, तो P1 will run up to another 5 times, 5 बार जब चलेगा तो देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये P4 हो गया था, अब P3 हमने लिया फिर से, ठीक है अब P3 हमने लिया था, 5 बार और चलेगा तो कितना हो जाएगा, 15 + 5 = 20, कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी P3 नहीं P1, ठीक है गलत बोल गया मैं, P1 क्योंकि एक बार हमने प्रोसेस 4 तक कर लिया था और फिर से स्टार्ट करेंगे 1 से, तो प्रोसेस 1 तक हमने किया तो इसको कितना अब लेना पड़ेगा जो है 15 तक हो गया था, अब 5 बार और चलेगा एक्स्ट्रा 5 टाइम्स तो 20 हो जाएगा सर, पर P1 तो 16 बचा था, 21 माइनस 5 कर गए, हाँ तो आगे चल रहा हूँ मैं, उसी चल रहा हूँ देखते जाओ, अभी ये क्या है, ये मैं चार्ट की वैल्यू बता रहा हूँ, नीचे जो हमें वेटिंग टाइम लग रहा है, जो हम टाइम हमें लग रहा है ठीक है वो कितना 15 और प्लस 5 इक्वल टू 20 हो गया किसका, P1 का, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुमने कहा कितना हमारा बच गया था, 21 माइनस 5 16, ठीक है, अब 5 बार और चल गया, ये चल गया तो अब क्या हो जाएगा, तो अब P1 हैज ओनली कितना बचा, 16 माइनस 5 11, अब कितनी बची 11, अब क्लियर हुआ, यहाँ पे प्लस yes, होगा बेटा, और उस वाले में जो है क्योंकि माइनस होगा, यहाँ पे क्या हमें इसको खत्म करना है प्रोसेस को, तो पहले 21 चला था, 21 था, 5 चला तो 16 बचा, फिर 16 के बाद अगली बार 5 चलेगा तो 11 बचेगा, फिर अगली बार 5 चलेगा तो 6 बचेगा, फिर 5 चलेगा तो 1 बचेगा, फिर अगली बार जब चलेगा तो खत्म होगा, है ना, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इसको 2-4 बार देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
ठीक है सर। अब क्या हो गया, P1 की वैल्यू कितनी बची? 11। 16 माइनस 5 11। अब क्या है, अब हम चलेंगे P3 पे। P3 विल रन, इट विल रन ओनली वन। क्यों एक बार चलेगा? ये देखो यहाँ पे P3 एक बार चला था जब 6 था, तो एक बार चला तो कितना बचा? वन। समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर। भाई देखो ये था ठीक है, एक बार जब 6 था तो एक बार चला, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। जब एक बार चला हमारा टाइम स्टैम्प तो 1 तक, ओ सॉरी एक बार चला 5 तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 ठीक। तो ये हमारा मजा नहीं आ रहा, बार हो गया 1। आप देखो फिर कहां था, कहां तक पहुंच गए थे, ये यहां तक ठीक है। अब P3 रन करेगा कितना, एक बार, सिर्फ एक बार। तो यहां पे था ठीक है, P1 हो गया था, ये देखो जो है P1 हो गया, ये हमारा P1 कंप्लीट, ये हो गया था P1। अब आया P3, P3 आया, अभी कितनी टाइम चल रहा है? सिर्फ एक बार चल रहा है, मतलब पांच, ये पांच मिनट नहीं ले रहा है, कितना ले रहा है? सिर्फ एक मिनट इसको चाहिए खत्म करने के लिए अपना टाइम। इसको जब एक मिनट चाहिए तो 20 प्लस 1 21, तो ये 21 पे ये खत्म हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर कहाँ ये, सो P1 विल बी इंड, कब इंड होगा? 20 प्लस 1 पे इंड हो जाएगा ये P1 ठीक। अब देखो इसका वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, हाँ इसका वेटिंग टाइम अब कितना हो जाएगा जो है P3 का, सबसे पहले मुझे लग रहा है हाँ थोड़ा सा गलत लिखी है, यहाँ पे P3 होना चाहिए था, है ना? यस सर। समझ रहे हो, देखते नहीं हो तुम लोग, यहाँ पे क्या होगा P3, P3 विल इंड, कब खत्म होगा? 20 प्लस 1 21 पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू 21 हो जाएगी और P3 यहाँ से खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, इंड हो जाएगा P3। जब जब कोई प्रोसेस इंड होता तो हम उसका वेटिंग टाइम लिखते हैं, जैसे हमने P1 और P4 का लिखा था, लिखा था P2 और P4, हाँ, इनका वेटिंग टाइम हमें लिख दिया था। अब किसका खत्म हुआ? P3। अब P3 का वेटिंग टाइम कितना है, सबसे पहले देखो P3 यहाँ पे स्टार्ट कितने पे हुआ था? 8 पे, 8 पे, तो 8 ये हो गया ठीक। अब देखो खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये 21 13 माइनस 5 7 पे, नहीं 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 21 पर, ध्यान से देखना, ये स्टार्ट कब हुआ था? 8 पे स्टार्ट हुआ था ठीक है, और अब ये यहाँ पे जो है 15 से हो जाएगा, तो ये जाएगा कितना, 15 माइनस 8, 8 7 15 होता है ठीक है। हाँ तो ये इसकी सॉरी 15 माइनस 8 बचेगा 7, तो इनका जो एवरेज कर देंगे हम, टोटल कर देंगे, तो हमारा एवरेज टाइम जो है P3 का आ जाएगा कितना, 15, सिंपल 15 ठीक। अब हमारा खत्म क्या हो गया, P2 खत्म हो गया, P3 हो गया और P4 हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ बचा P1। क्या मुकुल दिमाग काम नहीं कर रहा है सर? P3 8 से स्टार्ट होके और 15 पे कैसे खत्म हो गया? या तो P4 खत्म होएगा 15 पर, या फिर P1 स्टार्ट होएगा 15 से फिर से। P1 सर P3 8 से स्टार्ट हुआ, अब हमारा P1 बचा, नाउ P1 विल बी एग्जीक्यूट। अब जो है हमारा कितना जो है ये, यहाँ से P1 इज लेफ्ट, P1 बच गया, तो अब P1 रन करेगा, P1 रन करेगा, P3 यहाँ खत्म हो गया था, अब P1 रन करेगा, चलो भाई ये देखो अब क्या था कि P1, अब जो है हमारा P1 रन कर रहा था ठीक है, P1 अब पांच टाइम फिर से रन करेगा, पांच टाइम इस टाइम क्योंकि क्वांटम वैल्यू 5 थी ठीक है, तो P1 जो है 21 यहां था, फिर P1 आएगा तो 21 प्लस 5 तो यहां पे P1 की वैल्यू हो जाएगी 26 हो जाएगी। और देखो वहां पे जो ऊपर जो है हमारा कितना बचा था P1 का, 11 P1 11. ये देखो यहाँ पे कितना बचा था, 11 ठीक है, तो 11 में से फिर यहाँ जो है 5 माइनस हो जाएगा 6 बचा,
ठीक, अब कितना बचा? सिक्स. सिक्स बचा, ठीक है, अब सिक्स बचा, ओके, हाँ, तो अब सिक्स बचा यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, फिर से रन करेगा हमारा P1, P1 अगेन विल बी रन, कहाँ तक रन करेगा, 26, ये था 26, प्लस 5, इक्वल्स टू 31, 31 तक जाएगा इसमें, ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू इसकी यहाँ पे 31 हो जाएगी, और फिर 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, सिंपल जैसे हुआ था पिछला वाला, ठीक है जी सर. अब 1 बचा, अब देखो 1 बचा है, ठीक, अब जब 1 बचा तो अब हम उसको फिर 5 देंगे, तो अब हमें 5 की जरूरत नहीं है, उसको कितनी जरूरत है, 1 की जरूरत है, देखो यहाँ 32 था, सॉरी 31 था, तो 31 प्लस 1 इक्वल्स टू 32, 32 ये खत्म हो जाएगा, जब 32 पे ये मतलब जो वो हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 में 1 था, फिर अगली बार चलेगा 32 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, हुआ? यस सर. हो गया, देखो सबसे तुम्हारा मेन चीज आ गया, अब ये आ गया, ठीक. अब यहाँ पे क्या था, सबसे पहले P1 जो है स्टार्ट हुआ था जीरो पे, यहाँ पे था P1 था जीरो पे, ठीक है, फिर उसके बाद देखो P1 एक बार यहाँ आया, ये दिख रहा है ये, हाँ जी सर, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये खत्म हो रहा था, ये यहाँ पे 5 पे और 15 पे फिर से स्टार्ट हुआ, तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10, 10, तो ये 10 हो गया, फिर से क्या था, P1 यहाँ था और एक बार ये, हाँ ये यहाँ पे कितना था, ये यहाँ पे 20 पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, 20 और फिर ये जो है, सॉरी 20 पे खत्म हुआ था और फिर 21 पे फिर से स्टार्ट हुआ, ठीक है जी सर, तो कितना हो गया इसका, 1, ठीक है, और इसके बाद का तो हमने आगे वाला तो हमारा आ ही गया है ये यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, तो वही तुम्हारा एवरेज टाइम अब तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 जो है P1 का, ये 5 प्लस 13 प्लस इतना 5 और 3 किसका हो गया, 2 और 4 का था, सॉरी हाँ 2 और 4 का था, और 1 का 15 और सॉरी ये 3 का 15 और 1 का 11, इन सबको मर्ज करके एवरेज की वैल्यू उतनी हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम, देखो ये इतना सिंपल नहीं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, 4 बार पढ़ना पड़ेगा इसको,